नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है सभी का आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं आज के पेपर में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल का जो पेपर था, यानी कि कल आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर था, उसकी भी वीडियो मॉर्निंग में ही अपलोड कर दी गई थी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या आप चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से यदि जुड़े हैं तो वहां पर भी उस लिंक को शेयर कर दिया गया है। आप लोग वहां पर भी देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। वीडियो को अपने उन मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, मिलता हूं दोस्तों पहले प्रश्न पर। और यहां पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी छोटी जैविक सामाजिक इकाई है? तो दोस्तों, सबसे छोटी जैविक सामाजिक इकाई हमारा परिवार होता है, अर्थात यहां पर ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, यानी कि एक पति एक पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए? अविवाहित होना चाहिए, उनका किसी का भी विवाह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं, किसको इंगित करता है? तो दोस्तों, यह आपका एकल परिवार अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, परिवार में माता या पत्नी के पास सारे अधिकार होते हैं, और जहां पर माता या पत्नी के पास सारे अधिकार होते हैं, इस प्रकार के परिवार को किस नाम से जाना जाता है? अगर घर में पिता के पास पूरा अधिकार है तो पितृपक्षात्मक हो जाता है, और अगर माता के पास अधिकार है तो मातृ सत्यात्मक या पितृ सत्यात्मक कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर माता की बात हो रही है तो मातृ सत्तात्मक हो जाएगा, अर्थात यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, निम्न में से विस्तारित परिवार का हिस्सा कौन है? तो दोस्तों, यहां पर दादा दादी भी आते हैं, चचेरे भाई बहन भी आते हैं, चाचा चाची भी आते हैं, अर्थात यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न पर, श्रवण दोष के शीघ्र हस्तक्षेपण में निम्न प्रमुख संकल्पना है? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा, देख लीजिए, श्रवण दोष के शीघ्र हस्तक्षेपण में निम्न प्रमुख संकल्पना है, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्थिति, नंबर बी आपका परिवार का शैक्षणिक स्तर, नंबर सी आपका परिवार सशक्तिकरण, और नंबर डी आपका परिवार संरचना। तो दोस्तों, यहां पर परिवार का शैक्षणिक स्तर जो है वह परिवार की संकल्पना हो जाएगी, अर्थात यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं छठे प्रश्न पर, मुख्यधारा के स्कूलों में प्रशिक्षित और अर्हता प्राप्त विशेष शिक्षकों की कमी, यह समस्या किससे संबंधित है? छठा प्रश्न आपके सामने, यह समस्या शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है, अर्थात यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सातवें प्रश्न पर, सामाजिक संरचना क्या है? यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि रूपरेखा जिसको फ्रेमवर्क बोला जाता है, जिस पर समाज की स्थापना होती है, परिवार संरचना का दूसरा नाम, यह समाज की के समान ही है, यानी कि सोसाइटी के समान ही है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आठवां प्रश्न, आप सभी को पता होगा ये तो प्रश्न किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ाया है तब इस प्रश्न का जिक्र किया था और कहा था कि जो आपका PWD एक्ट था वहां पर 3% दिव्यांगता की बात की गई थी, और जो RPWD एक्ट था वहां पर दोस्तों 4% दिव्यांगता की बात कही गई थी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, नवा प्रश्न आपके सामने है, अभिभावकों की सहभागिता को दर्शाने वाले व्यवहार को इंगित करें। नवा प्रश्न आपके सामने, निष्क्रिय सूचना, अर्थात यहां पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, श्रवण दिव्यांग व्यक्ति के बारे में समाज में सबसे ज्यादा सामान्य कल्पित कथा कौन सी है? तो दोस्तों, यहां पर जो ऑप्शन है आपका
डी सही हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। सही या गलत लिखिए, अभिभावकों को दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, अभिभावकों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि बच्चों का पुनर्वास करें, बच्चे को उसकी समस्या को जानें और उस पर कार्य करें। तो यह बिल्कुल आपका कथन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्यांगता प्रबंधन में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। दोस्तों अगर यहाँ पर नहीं ना लिखा होता तब ये आपका सही हो जाता, इस नहीं ने इसको गलत कर दिया, अर्थात जो दूसरा है आपका यह गलत हो जाएगा। पहला आपका सही था, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिव्यांग बच्चों के सामने बहुभाषिता ही एकमात्र चुनौती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, यह भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समुदाय और संस्थान आधारित पुनर्वास के सिद्धांत एक समान नहीं होते। तो बिल्कुल दोस्तों नहीं होते, आपका यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दिव्यांगता के बारे में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया एक मंच है। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपके 3 गलत और 2 सही। आगे हम बात करते हैं, CBR आप सभी को पता होगा और सभी ने फाइल CBR की बनाई होगी। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी कि समुदाय आधारित पुनर्वास, क्या दोस्तों? समुदाय आधारित पुनर्वास या कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, समुदाय आधारित पुनर्वास। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, के माध्यम से निरक्षरों में विकलांगता के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों विकलांगता के प्रति जागरूकता हम कैसे पैदा करेंगे? कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी कि CBR के ही माध्यम से, जहां पर नुक्कड़ नाटक होगा, हम गांवों में जाकर के ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वहां पर जहां पर चीज़ें नहीं सही से पता हैं हम उनको जागरूक करेंगे, उस CBR का ही कार्य होता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, एक बधिर बच्चे के संपर्क का पहला बिंदु उसका परिवार होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा पहला जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो परिवार होती है। तो बच्चा अगर दिव्यांग है या किसी भी चीज़ से ग्रसित है तो वो सबसे पहले कहाँ पे दोस्तों संपर्क होगा? उसके परिवार में ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संस्थानों क्लिनिकों आदि में दी जाने वाले पुनर्वास को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस पुनर्वास को कहा जाता है संसाधनों और क्लिनिकों आदि में दिए जाने वाले पुनर्वास को। तो दोस्तों यह पुनर्वास होता है आपका केंद्र आधारित पुनर्वास, यानी कि केंद्रों में यह पुनर्वास दिया जाता है, या यहाँ पर संसाधन आधारित पुनर्वास भी कह सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर केंद्र आधारित पुनर्वास लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये दोनों, संस्थान भी आपका केंद्र होता है और क्लिनिक भी आपका एक केंद्र होता है जहाँ पर सभी बच्चे आकर के मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, एक एकल परिवार में पिता भी माँ के समान होता है, क्योंकि एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो माता के साथ में जो पिता होता है वो भी एक माँ के समान होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। पुनर्वास का अर्थ, समुदाय के प्रकार, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ।